हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं एक बहुत ही सिंपल सा हैक कह लो, DIY कह लो, जो भी कह लो, बट ये मैं बहुत 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 ज़्यादा पुराने टाइम से यूज़ करती हूं। लाइक जब मैं एक टीनेजर थी तब सिंपली दो तीन चीज़ें मेरी मॉम ने मेरे को बताई थी, और ये एक वॉशरूम हैक है। मतलब कि आप बाथरूम में इसे यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर है नहाते वक्त। और ये है स्किन को स्मूथ बनाने के लिए, सारी जैसे कि स्किन की डेड स्किन सेल्स जो होते हैं, डेड सेल्स, ड्राई स्किन, रफ स्किन, मैल, गंदगी, डिसकलरेशन को ठीक करता है, ये सब निकालने के लिए। आपने कभी कभी देखा होगा हमारी स्किन में छोटे छोटे पैचेस बन जाते हैं, जैसे जो हाउस वाइफ्स हैं या कॉलेज गोइंग गर्ल है, जो मतलब जिनको टाइम नहीं मिल पाता बहुत ज़्यादा अपने हाथों का या स्किन का केयर करने के लिए, और छोटे छोटे पैचेस बन जाते हैं ब्राउन ब्राउन से, यानी कि डिसकलरेशन हो जाती है, तो उसको ठीक करता है ये। जो आज सिंपल सी रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ मैं आप लोगों के साथ, और ये मेरी खुद की है भाई, किसी को यहाँ पे, और ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो बाकी डिस्क्रिप्शन आपको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। लाइक कि कॉपीराइट क्लेम कर सकती हूँ मैं किसी पर अगर कोई सेम ये चीज़ बनाकर आपको देता है तो, बिकॉज मैं खुद से इसको बहुत टाइम से यूज़ करती हूँ। तो जो भी है आप ये लोग पढ़ लेना, आप जो भी होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलते हैं हम इस रेमेडी को बनाने की तरफ, रेमेडी कह लो, DIY कह लो, जो भी है। इसके लिए चाहिए हमें चोकर, जो कि हम आटा छानते हैं उसमें से चोकर निकलता है। बाज़ार के आटे में कितना निकलता है मुझे पता नहीं, बिकॉज बाज़ार का आटा हम लोग खाते नहीं, हमारा खुद की खेतों की गेहूँ आती है, उसे हम धोकर साफ करके पिसवा लेते हैं चक्की में, ठीक है, तो उसमें तो चोकर निकलता है। तो इसमें मैंने ऐड किया है दूध। अगर आपको इसका स्क्रब करना है चोकर का तो आप दूध को उसी टाइम ऐड करो, या फिर पानी में ही ऐड कर लो और स्क्रब कर लो। लेकिन दूध करोगे तो ये होगा कि दूध से क्लेंजिंग बहुत अच्छी तरह से होगी, साथ ही साथ कलर फेयर होगा। और अगर आपको इसको एज अ पैक यूज़ करना है तो आप इसको 15 to 20 मिनट या फिर ओवरनाइट भी डिप करके रख सकते हो। तो गाइज, ये लिया है मैंने चोकर और मैं इसको दूध में डिप करके रख रही हूँ ओवरनाइट सोक करने के लिए, मतलब कि, और ये मतलब अच्छा दरदरा मोटा वाला चोकर है, बिकॉज देसी गेहूँ है। तो यहाँ पे मेरी एक चीज़ आपको और मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि जिन लोगों को, मैंने फिर से कह रही हूँ, पिंपल्स की, एक्ने की प्रॉब्लम है, वो थोड़ी सी टर्मरिक यानी कि हल्दी थोड़ी सी यूज़ करें, बहुत ज़्यादा नहीं, बिकॉज फेस फिर येलो लगेगा और आपको फेस वॉश यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको कर रही हूँ ओवरनाइट के लिए, इस तरह से पूरी रात के लिए छोड़ूंगी, बिकॉज मुझे इसके स्क्रबिंग के साथ साथ एज अ फेस पैक इसे फेस पे रखना है। मैं स्क्रब करके इसको छोड़ नहीं देती हूँ, जब मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी होती है तब मैं इसको जस्ट स्क्रब करती हूँ फेस से और रिमूव कर देती हूँ, लेकिन जब मेरे पास टाइम होता है तब तक मैं इसको अपने फेस पे छोड़ देती हूँ 10 to 15 मिनट्स। उससे क्या होता है, स्किन जो है वो टाइट हो जाती है, पोर्सीज की प्रॉब्लम भी, ओपन पोर्सीज की प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट होने लगती है, जिससे कि ओवरनाइट रखने से पूरा स्मूथ हो जाता है। जिन लोगों को थोड़े से रैशेज और पिंपल्स की प्रॉब्लम है, जिस तरह, या फिर ये एलर्जी टाइप खारिश वाली और फिर खारिश करने के बाद इस तरह से बन जाता है जैसे मुझे है, तो वो थोड़ी सी पिंच ऑफ हल्दी, इतनी सी टर्मरिक की पिंच डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बिकॉज फेस येलो हो जाएगा वरना, और फिर साबुन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे साबुन बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, आपने अपने चेहरे को वॉश कर लेना है नॉर्मल वाटर से या लुकमॉम वाटर से, उसके बाद आपने ये चीज़ अप्लाई करनी है, ठीक है। इसमें मैंने हल्दी थोड़ी सी डाली है जो मैंने स्किप कर दिया दिखाना अभी, और चोकर है, और ओवरनाइट मैंने इसको डिप किया है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको स्क्रब करने के बाद फेस पे छोड़ देना है, और एकदम से अगर स्क्रब करो तो उसे 2 to 3 मिनट्स करना होता है, उसके बाद धो देना होता है, लेकिन मैंने इसे एज अ पैक रहने देना है, यानी कि थोड़ी सी हल्की स्क्रबिंग के बाद मैंने इसे फेस पे रहने देना है 15 to 20 मिनट्स, जिससे कि जो मिल्क है वो स्किन को मॉइस्चराइज करेगा और फेयर करेगा। और इस तरह से आपने लेना है इसे, और हाथों पर इस तरह से कर लेना है चोकर को, और हाँ ये नीचे गिरता है भाई, लेकिन अगर आपको चाहिए स्मूथ स्किन तो आपको इसके अच्छे से रब करना है। आप इसको पूरी आर्म्स पर, नेक पर, तभी मैंने कहा कि बाथरूम है क्या, ये एक बहुत इजी वाला उबटन टाइप ही समझ लो आप, जो स्किन को स्मूथ तो करता ही है, साथ ही साथ आपकी डिसकलरेशन जो है स्किन की वो हटाता है। और ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है, जब भी मुझे कुछ भी नहीं मिलता है जल्दीबाजी में मैं यही चीज़ करती हूँ, ठीक है। और ये ओवरनाइट अगर आप रखते हो डिप, मैंने इसे ओवरनाइट डिप किया है, तो ये बिल्कुल भी चुभता नहीं है। हल्के हाथों से मसाज करनी है आपने, आप सर्कुलर मोशन में, सॉरी, कीजिए इसको मसाज, और
2 से 5 मिनट की मसाज आपने करनी ही करनी है, उसके बाद आपने इसको, अगर आपको जल्दी है तो आप वॉश कर लीजिए, अदरवाइज आप इसको फेस पे रहने दीजिए 10 मिनट एटलीस्ट। उसके बाद आप हल्का सा इसको फिर से गीला करके फिर से थोड़ा सा सर्कुलर मोशन में इस तरह से करके निकाल दीजिएगा। उसके बाद आपने फेस वॉश यूज़ नहीं करना है, साबुन यूज़ नहीं करना है, आपकी स्किन वैसे ही स्मूथ हो जाएगी। और इसमें कच्चा दूध ज़रूरी नहीं है, आप नॉर्मल मिल्क भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने रॉ मिल्क ही लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। इससे ब्लैक हेड्स भी निकल जाते हैं, नोजी पर शाइनिंग आ जाती है, ठीक है। आप इसे नेक पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसे 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी या 10 मिनट्स के लिए, और फिर आपको वॉश करके अपना फेस दिखाती हूँ। सो गाइज, मैंने फेस वॉश कर लिया है, मींस मैंने ये बाथरूम है कि इसीलिए कहा है कि इसे आप नहाते वक्त करें, और उसके बाद ये बालों में इस तरह से रह जाता है, तो इसको आप कर सकते हैं डियर बाद में कॉम्ब से साफ़ कर सकते हैं या हाथों से इस तरह से झाड़ लीजिए। ये एक मिरेकल फॉर्मूला है जो मैं बहुत बहुत टाइम से, जब मैं टीनेजर थी तब से यूज़ कर रही हूँ, और उसके बाद स्किन हो जाती है सुपर सॉफ्ट, सॉफ्ट नहीं सुपर सॉफ्ट। और इस टाइम मैंने किसी भी किस्म का कोई मेकअप वेयर नहीं किया है सिवाय एक बिंदी के, और कोई क्रीम नहीं। हाँ, इसके बाद आपने साबुन यूज़ नहीं करना है, मैं बार बार कह रही हूँ। उसके बाद आप अपनी कोई भी अच्छी वाली क्रीम जो आपको अच्छी लगती हो वो लगा सकते हैं। मेरी स्किन थोड़ी ड्राई है और हमारे हिमाचल में भी ठंड है, मैं अभी जैकेट वेयर कर रही हूँ क्योंकि कल से यहाँ पे परसों रात को बहुत बारिश हुई है तो बहुत ठंड बढ़ गई है। तो आप इस तरह से कोई भी अपनी क्रीम मॉइस्चराइज़र जो भी आपको ठीक लगे वो लगा सकते हैं, और अच्छे से उसके बाद कॉम्ब कर लीजिए, क्योंकि बालों में थोड़ा सा चोकर रह जाता है लेकिन वो निकल जाता है, मतलब उसके जो कण हैं वो रह जाते हैं और वो निकल जाते हैं बाद में। और जिनके एल्बोज़ जो हैं वो काले अगर रहते हैं तो वो इसको यूज़ करें, तो एल्बोज़ काले नहीं रहेंगे, बिल्कुल ब्लैक नहीं रहेंगे। अब भाई यहाँ पे रिंकल्स तो होते हैं, रिंकल नहीं होते, स्किन इकट्ठी होती है तो थोड़ा सा तो कलर अलग लगेगा ही, लेकिन काले नहीं रहेंगे। जो यहाँ के भी डेड स्किन सेल्स हैं वो देखिए बिल्कुल निकल जाते हैं, बिल्कुल जो यहाँ पे ब्राउन ब्लैक पैच होते हैं वो आप इस चोकर से बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। कोई मेकअप वेयर नहीं किया है मैंने, नो लिपस्टिक, नो लाइनर, नो फाउंडेशन तो मैं कभी करती ही नहीं यूज़। तो ये जो है बहुत ही अच्छे वाली होम उपटन कह लो इसको, या DIY कह लो, जो भी आप कह लो, लेकिन ये बहुत अच्छे से काम करता है आपकी स्किन पर। तो प्लीज़ इसे ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो एक लाइक देना, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल मत भूलना करना। और जो लोग वीडियोस देखकर आगे चले जाते हैं, आगे निकल जाते हैं, प्लीज़ उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर उनको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो इन वीडियो को, इसको किसी के साथ, ताकि उनको भी इसका जो बेनिफिट है वो मिल सके और वो ट्राई कर सकें। और हाँ, फिर से कह रही हूँ, ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलना। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।